अच्छा, सेकंड केस है जी एक्टिविटी बेसिस के ऊपर। अब एक्टिविटी बेस के अंदर हमने क्या करना है, डिफरेंट बेसिस यूज़ करनी है। बेसिस हमें यहाँ पे गिवन है, एक बेस ये है, दूसरी बेस ये है, तीसरी बेस ये है। हमें दो चीज़ें चाहिए, एक एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट चाहिए। हमारे पास तीन तरीके से आई हुई है, 1, 2 और 3। ये पहली वाली जो है वो 72,000 है, दूसरी वाली जो है वो 200,000 है, और तीसरी वाली जो है वो 816,000। टोटल अभी भी जो एलोकेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1,08,000 ही हो रहा है। ये हो गया एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट। अब आ जाते हैं एस्टिमेटेड एक्टिविटी। तो कह रहे हैं जी 72,000 की कॉस्ट आएगी, हमारे टोटल सेटअप हमें लग रहे हैं 400 होंगे। ये किसकी बेस में, 400 सेटअप्स। यहाँ पे 200,000 है, तो इसके अंदर पीछे क्या रहा है, 5,000 मशीन आर्ट्स, और इसके पीछे कितने आ रहे, 24,000 लेबर आर्ट्स। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसकी बेसिस के ऊपर हमने कहा था वो प्रोडक्ट्स जो ये बेसिस यूज़ कर रही हैं उनमें चार्ज करेंगे। ज़्यादा यूज़ करिए ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे, कम यूज़ करिए कम चार्ज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये कॉस्ट आ जाएगी 180 पर सेटअप। एक सेटअप की कॉस्ट 180 है। मशीन आर में कितनी आ जाएगी, 40 पर मशीन आर है, और लास्ट वाली क्या है, 34 पर लेबर आर है। दोबारा वही बात याद रखिएगा, हमें चाहिए कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। ये किस में गिवन है, कुछ सेटअप में गिवन है, कुछ मशीन में गिवन है, और कुछ लेबर में गिवन है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अब हमें इसको ट्रांसफ़र करना है यूनिट्स के अंदर। अब कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, अब आप ज़रा देखते जाइएगा साथ साथ वर्किंग, यहीं पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मुझसे ये पूछें जी, मैं अगर कॉस्टिंग कर रहा हूँ हब की, मैं सिर्फ हब का कर रहा हूँ वे पहले, ठीक है। हब के अंदर देखें जी, ये पहले हम ओवरहेड कर रहे हैं, ठीक हो गया। हब के ओवरहेड में सबसे पहले देख लेते हैं भाई ये सेटअप कितने लग रहे हैं। हब की टोटल प्रोडक्शन में 100 सेटअप लग रहे हैं, और एक सेटअप की कॉस्ट कितनी आ रही है, 180। तो टोटल सेटअप की मद में जो ओवरहेड्स जाएंगे उसके कितने हो जाएंगे, 18,000 के ओवरहेड लग जाएंगे। अच्छा, दूसरा ओवरहेड देख लें, दूसरे ओवरहेड में उसमें क्या आ रहा है, स्पेशल प्रोसेसिंग आ रही है। स्पेशल प्रोसेसिंग में वो कितने लगा रहा है, 5,000 आवर्स लग रहे हैं। तो 5,000 आ रहा है, एक आर की कॉस्ट कितनी है, 40 है, तो ये कितना ट्रांसफर हो जाएगा, आई थिंक ये 20,000 बनेगा, कितना बनेगा, 2,00,000। 2,00,000 रुपए इस ओवरहेड के इसको चले जाएंगे। थर्ड वाला हमारे पास क्या है, हमारे पास है जनरल फैक्ट्री के। अब जनरल फैक्ट्री देख रहे हैं, तो जनरल फैक्ट्री में उसके लग रहे हैं 8,000 आवर्स लेबर के लग रहे हैं, और एक लेबर की कॉस्ट क्या है, 34, और टोटल कितने आ रहे हैं, 272,000। कितने हो गए, इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हब के अंदर 490,000 के ओवरहेड लग रहे हैं। अच्छा, इसको दूसरी तरफ इसका वो भी बना लेते हैं, स्प्रॉकेट। स्प्रॉकेट में क्या हो रहा है, स्प्रॉकेट में हो रहा है सेटअप कितने लग रहे हैं, स्प्रॉकेट में सेटअप लग रहे हैं 300। एक सेटअप की कॉस्ट क्या है, 180। टोटल कॉस्ट कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, 54,000। स्पेशल प्रोसेसिंग, स्पेशल प्रोसेसिंग में उसको कोई आर्ज नहीं चाहिए, 0। रेट क्या है, 40। आंसर भी क्या आ रहा है, 0। थर्ड में क्या हो रहा है हमारे पास, जनरल में 16,000 आर्ज है, और एक की कॉस्ट आ रही है 34, तो क्या हो रहा है, 598,000। टोटल इसको कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग ओवरहेड में से, 598,000। बेसिकली अब अगर देखो क्या हो रहा है, हमारी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, वही आ रही है 1,08,000, जिसमें से 598 उसको चली गई है, 490 उसको चली गई है। ये बात क्लियर है, ये हो गया एबीसी बेस के अंदर। ट्रेडिशनल का मैं अभी एंड में आपको बताता हूँ। अब क्या हो गया, ये आपके पास आ गई टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर हब। ओवरहेड आपके कितने आ गए, 490,000, जो भी हब की प्रोडक्शन है। हब की प्रोडक्शन हमें यहाँ पे गिवन है, हब कितने बन रहे हैं, 10,000 यूनिट बन रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 10,000
हब्स। अच्छा, इसमें हम क्या ऐड करेंगे? मटेरियल। मटेरियल पर यूनिट अगर आप देखें, यहाँ पे गिवन है 32, 32 पर यूनिट है, और हमने कितने यूनिट बनाने हैं? 10,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 320,000 आ गई। लेबर, लेबर का रेट भी हमें गिवन है, लेबर आ रही है 0.8 पर लेबर आर, ये रेट है 0.8, और हमने कितने बनाने हैं? 10,000 बनाने हैं। ये है नंबर ऑफ आर्स टू प्रोड्यूस वन यूनिट, ये है नंबर ऑफ यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर यूनिट से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? टोटल लेबर आर्स आ जाएंगे। कितने आते हैं भाई, ज़रा देखो, 8,000 into 15 हमारे पास आ जाएंगे 120,000। इसको मैं यहाँ से काट के थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, तो ओवरहेड प्लस मटेरियल प्लस लेबर, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? प्लस 320,000 प्लस 490,000, टोटल कॉस्ट आ रही है 9,930,000। 930,000 किसके आ रहे हैं? 10,000 यूनिट्स के। एक यूनिट का कितना आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट? कितनी आ जाएगी? 93 पर यूनिट। इसी तरह सेम आप स्प्रॉकेट के साथ भी कर लेंगे। स्प्रॉकेट की कैलकुलेशन का जो आंसर आ रहा है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप आंसर टैली करके देखें, आपका आंसर आ रहा है सेम मेथड से $38.95। अब थोड़ा सा हाई लेवल एनालिसिस कर लेते हैं। हाई लेवल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम दोनों को साथ साथ रख लेते हैं, एक तरफ रख लेते हैं ट्रेडिशनल को और एक तरफ रख लेते हैं हम लोग एबीसी को। ट्रेडिशनल ने क्या किया, ट्रेडिशनल ने बेस यूज़ किया है लेबर आर्स, इसने क्या यूज़ किए हैं? मल्टीपल बेसिस। मल्टीपल बेसिस के हिसाब से उसने हब को जो चार्ज किए ओवरहेड वो कितने किए? 490,000। कहाँ से आए? ये रहे। और स्प्रॉकेट को उसने चार्ज किए कितने? 598,000। ये आ गए। ट्रेडिशनल में क्या किया, ट्रेडिशनल में उसने लेबर आर्ट यूज़ किए, और लेबर आर्ट का रेट हमें पता है कितना है? लेबर आर्ट का रेट है 45.33 पर लेबर आर्स। अब इसकी बेसिस पे देख लेते हैं हब को क्या चार्ज हुआ और स्प्रॉकेट को क्या चार्ज हुआ। हब के लिए कितने आर्स चाहिए थे, जरा यहाँ पे देख लें, हमें नंबर ऑफ आर्स 8,000 है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, तो 8,000 आर्स हैं 45.3333 के हिसाब से। स्प्रॉकेट के कितने हैं? 16,000 है इंटू 45.3333, ज़रा देखें क्या आ रहा आंसर, तो 8,000 into 45.33, तो ये आंसर आ रहा है 362,667। दूसरे में क्या आ रहा है? 16,000 into 45.333, ये आ रहा है 725,328। और इसमें अगर मैं ये दोनों ऐड कर दूँ तो आंसर देखें एग्जैक्टली 10 चला गया भाई, ये आंसर दोबारा वही आ रहा है 10880। इसमें भी आंसर वही आ रहा है 10880। अब आप डिफरेंस आपके सामने है, दोनों यही कॉस्ट यूनिट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। यूनिट्स किसके? हब और स्प्रॉकेट। एक कह रहा है हब ने 490 लिए हैं, स्प्रॉकेट ने 598 लिए हैं। ट्रेडिशनल लग रहे नहीं, हमने 362 लिए हैं, स्प्रॉकेट ने 725 लिए हैं। दोनों की देखें कॉस्टिंग में, देखें कि इसकी वजह से क्या डिफरेंस आया। जब हमने ट्रेडिशनल यूज़ किया तो हब की कॉस्ट है 80 पर यूनिट, जब हमने ये यूज़ किया तो इसकी कॉस्ट आ गई 93 पर यूनिट। तो मेथड चेंज करने से कॉस्ट चेंज होगी, कॉस्ट चेंज करने से सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगी, सेलिंग प्राइस सही होगी प्रोडक्ट सही बिकेगा, ज़्यादा होगी तो नहीं बिकेगा, कम होगी तो ओवर सोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारे कॉस्टिंग के मेथड्स हैं जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट पे इम्पैक्ट आता है। तो हमने इस पूरी आज की एक्सरसाइज में क्या देखा, हमने देखा जी कि POHR कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर हमने देखा POHR के प्रॉब्लम्स क्या थे, इसको सॉल्व करने के लिए एक्टिविटी आ गई, फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया कि एक्टिविटी में क्या आंसर आ रहा है, स्प्रॉकेट और उसके ट्रेडिशनल वाले में क्या आंसर आ रहा है,
दोनों को हाई लेवल पे कंपेयर कर लिया। आई होप सो अब आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।